नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं लाया हूँ वह विश्व प्रसिद्ध जो किताब है, लाल किताब, उसका सिद्ध मय टोटका है। जी हाँ दोस्तों, जो विश्व प्रसिद्ध किताब लाल किताब है उसके सभी टोटके सिद्ध मय टोटके हैं, और जिसने भी इसे अपनाया है वह लाभ जरूर पाया है। तो आज का जो टॉपिक है, लगातार बुखार आने पर इसके उपाय के लिए गजब का टोटका। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को लगातार उपाय बुखार आ रहा हो तो उसके उपाय के लिए हम यह आपके लिए टोटका लेकर आए हैं। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स या ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आते हैं अपने टॉपिक पर, लगातार बुखार आने पर इसके उपाय के लिए गजब का टोटका। यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर ना कर रही हो तो आंख की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध ले, फिर उस कपड़े को रोगी के कान के से बांध दे, बुखार उतर जाएगा। इतवार या गुरुवार को चीनी दूध चावल और पेठा अपनी इस इच्छा के अनुसार ले और उसको रोगी के सिर पर वार कर किसी भी धार्मिक स्थल पर जहाँ पर लंगर बनता हो दान कर दें, लाभ मिलेगा। यदि किसी को टाइफाइड हो गया हो तो उसे प्रतिदिन एक नारियल पिलाएं, कुछ ही दिनों में उसको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया यह उपाय आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, क्योंकि अगर और अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।